दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं। ऐसे में खिलाड़ी विनेश फोगाट के ससुराल जुलाना खंड के गढ़वाली गांव में भी एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव की बहू के सम्मान के लिए पूरा गांव उसका समर्थन करता है तथा खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए और गाँव की बहू के मान के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ करेंगे। गांव की महिला सरपंच ने कहा कि उनके गांव की बहू है, वो आज अपने हक के लिए धरने पर बैठी है। ऐसे में हम सभी महिलाओं का फर्ज है कि उसका समर्थन करें और दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बच्चों सहित बैठेंगे। जब तक कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो पाया है, लेकिन सरकार और उसी को बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार का वादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। हम अपनी बहू के सम्मान के लिए सभी गांव दिल्ली धरने में शामिल हैं और अब स्थायी रूप से वहां पर जाकर न्याय की मांग करेंगे। विनेश फोगाट के ससुराल के महिला सरपंच का कहना है कि उनकी बहन को आज अपनी मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। वो किसी गांव की बहू बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी हैं। जब मेडल जीत कर लाते हैं तो वही देश उनके सम्मान में खड़ा होता है, लेकिन आज जब उनका हक की लड़ाई की बात आई तो सरकार उनका शोषण कर रही है, वही आरोपियों को भी बचाने का काम कर रही है। लेकिन हम अपनी बेटी और बहू के सम्मान के लिए दिल्ली धरने में शामिल होंगे, बच्चों सहित वहीं पर बैठकर उनके लिए न्याय मांगेंगे। मैं जी सरपंच हूँ गांव की और पूनम मेरा नाम है और मारी जो बहन है ना जी वाड़ा बैठी है दिल्ली धरना पे और उसकी सरकार न्याय नहीं दवा रही और हम तो उड़े जावांगे सारे जने और जब लग सरकार उसकी बात नहीं मानती उसने उसके लिए न्याय नहीं करती हम तोड़े रहेंगे। चाहे हमने बालक बच्चे अपना घर का सारा सामान उड़ ले जाना पड़ेगी हम तोड़े जावांगे और उड़े रहेंगे। इतना उसने सरकार उसकी मांग नहीं मानती जो उनके लिए ज्यादती और ला रही उन्हें पीटे हैं उनके लिए और कि में कर रहे हैं खाना बंद कर दे उनका खाना बंद कर दिया उनका पानी नहीं आने दें दे उन्हें जब लगे उड़े रहेंगे हम तो सारे चाहे हमारा पुलिस डंडे कितने मार दियो हम तोड़े रहेंगे हम नहीं आवांगे इतने अपनी बहू खिलाड़ी के हमारी जब जब एक देश का खिलाड़ी हो वह उसकी आँखें मासुआ हो तो इससे बड़ी शर्म की बात क्यों होगी देश खातर। और जब देश की तो सरकार की तो जावा है जब उनके मेडल ले आवे हैं जब तो सरकार वाह वाही कर दे भाई हमारे खिलाड़ी इतने हुए हैं न्यूज मेडल ले आओ हमारे खातर और फिर सरकार रो है जब उनके आंसू दिख देगी कौन है सरकार ने कुछ सोचना चाहिए। तो जाओगे जंतर मंतर जमात जरूर जावांगे जी कति जावांगे कितने दिन रहोगे चाहे कितने दिन लग जाइए जी हम तोड़े रहोंगे थोड़े उनकी मदद करांगे जी जितनी हमारा मदद होगी हम उतनी मदद करांगे। तो ये खिलाड़ी इस गांव की बहू है? हाँ जी हमारे गांव की बहू है हमारी मैं भी इस गांव की बहू हूँ हुआ भी उस गांव की बहू है। क्या नाम है? मैं उसका विनेश फोगाट है। अच्छा सच ही दिखा रहे हैं भाई हमारी बहू उधर ना बैठी रामाड़ा कर हम उसका दौरा जावांगे न्याय करा के जावांगे ब्रजभूषण में जेल करावांगे। कितने किलो भाई जाओगे? सारा काम जावागा इकट्ठा होकर ना दिल्ली। हाँ दिल्ली ट्रैक्टर गाड़ी सारा सौदा ले जावांगे भर भरे। कितने दिन रहोगे फिर उड़ा? चाहे हमने 4 साल लाग दियो चाहे 5 साल चाहे 10 साल लाग दियो उड़े बैठे रहेंगे। बहु ने इंसाफ दिवा के लिए बहु ने इंसाफ दिवा के लिए आवांगे हमारी बहु उड़े बैठे तो ना पाए। अच्छा न्याय दिवावांगे उसने हर लिया करवाएंगे। तो गम्मत कितनी किलो भाई जाओगे समर्थन? सारी सारा काम जागा इकट्ठा होकर गाड़ी भरकर जाएगी सारी हम तो उड़े मशन ले जाएंगे उड़े दूध काटेंगे उड़े पीवांगे उड़े रहेंगे हम नहीं आवा इतना हमारी बहु ने न्याय नहीं मिलेगा इतना। हम इस बात को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं जी जो हमारे ये बहू है हमारे गांव की पुत्र वधु है विनेश फोगाट ये भाई है सोम बिराठी उसकी में घरवाली है ये गांव और चौगामा पहले भी 2-4 बार इकट्ठा हो चुका है और गांव बार बार जंतर मंतर पर पड़ा भी है और लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं भारत सरकार से भाई पहलवानों को न्याय मिले। 12 साल एक आदमी ने यौन शोषण करा यौन शोषण कोई छोटी चीज़ तो है नहीं एक पोस्को एक्ट के तहत तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो सरकार ने कानून बना रखा है अगर या तो फिर सरकार उस कानून को निरस्त कर दे भाई पोस्को एक्ट में भी जब गिरफ्तारी नहीं है जो नाबालिग बच्चों ने एफिडेविट दे रखे हैं और उसकी भी उस टाइम भी गिरफ्तारी नहीं है तो फिर सरकार इस कानून को बदल दे। एक सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख की हियरिंग थी उसमें क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई आप नीचे जा सकते हो जो सोशल मीडिया है जो ब्रजभूषण की आई टी सेल और बीजेपी की जो आई टी सेल है उसने क्या नैरेटिव फैलाना कर दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बा आप नीचे जा सकते हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहलवान गए सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया भाई FIR दर्ज नहीं हो रही थी दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी जहाँ जहाँ बच्चों ने शिकायत दी कितने दिन से शिकायत पेंडिंग थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो काम बच्चे पहलवान लेके गए वो
FIR लॉज कर दी। FIR लॉज कर दी सरकार डिले क्यों कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच में डिले क्यों कर रही है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी कर रही। तो ये चीज़ें जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है देश में, जो IT सेल है BJP की भी और ब्रजभूषण की भी, अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो खुद के नारे बुलवा रहे हैं, बोला मैं जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा। मतलब हमारे बच्चों को तो रात को सोने के लिए बेड भी नहीं है अगर बारिश आती है तो, वो 2-4 लाख लोग लाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। ये तानाशाही ही नहीं है तो सरकार की क्या है। पहली बार हरियाणा में प्रधानमंत्री आया था नरेंद्र मोदी, पानीपत में रैली हुई थी, उन्होंने वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। क्या यही नारा था, इसको यहाँ सार्थक सिद्ध किया जा रहा है क्या? अगर देश के पहलवान जिन्होंने देश को रिप्रेजेंटेड करा है, तिरंगे को फहराया है, क्या एक वृक्ष है क्या वो बच्चे? वो देश को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, वो देश के बच्चे हैं, वो देश के पहलवान हैं। और आज उनके साथ अगर खाने का सामान सोने का सामान भी नहीं दिया जा रहा तो क्या यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? दूसरी बात, एक बीबीपुर के पूर्व सरपंच जागलान ने एक नारा दिया था सेल्फी विद डॉटर, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था मन की बात में, भाई एक अच्छी चीज़ की पहल करी है पूर्व सरपंच ने, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। सेल्फी विद डॉटर का मतलब यही है क्या? अगर देश की लड़कियां जो देश को रिप्रेजेंटेट करे, देश के लिए मेडल लेकर आई, उन्होंने खून पसीना तपाया, अपने जमीन गिरवी रखी है, जो हमारी पुत्रवध हुआ निचले लेवल से उठ के ग्राउंड से गए ही ये बच्चे, और देश का मान सम्मान और गौरव ही नहीं उन्होंने बढ़ाया है। तो देश को आज अगर इनकी ज़रूरत है तो हम सभी से अपील करते हैं, ग्रामवासी बख्ताखेड़ा बस सभी जंतर मंत्र पर पहुँचे, हम आप लोगों के ऋणी रहेंगे। अगर इस लड़ाई में आप शामिल नहीं हुए तो ये पहलवान है इनका मन टूट जाएगा और आने वाली पीढ़ी में हम पहलवान नहीं बना पाएंगे। और हमारी मतलब विनेश फोगाट हमारी पुत्रवधू है और हमारा सारा गांव वहां, मतलब रोजाना 10-20 आदमी ड्यूटी लगाई जाती है और रोजाना हम वहां जंतर मंत्र पहुंचते हैं और हमारी पुत्रवधू ने देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेकर आई है और मतलब सरकार ने ऐसा काम किया है गोल्ड मेडलिस्ट के लिए जैसे एक आम आदमी का भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाया जाए और इनका जो ब्रजभूषण है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहू है वहाँ बैठी हैं, ये हमारी अकेले की नहीं, सारे हरियाणा की, सारे देश की हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हर रोज 100 आदमी काम से डेली भेजेंगे, ट्रैक्टर ट्रेली लेकर जाएंगे, लोग उनका समर्थन करेंगे। जंतर मंतर।